ग्वालियर जिले से हर्ष फायरिंग का एक मामला सामने आया है, जहां जन्मदिन सेलिब्रेशन के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। ग्वालियर जिले में हर्ष फायरिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वायरल वीडियो डाबरा का है, जो दो दिन पुराना बताया जा रहा है, जहां राज गुर्जर नामक सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया गया यह वीडियो हर्ष फायरिंग का है। यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संभागीय हेड इमरान खान। बिल्कुल देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर जिले के डबरा में दो दिन पहले जन्मदिन पार्टी में एक राज गुर्जर नामक युवक के नाम से सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बना हुआ है, जिस पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में कुछ मतलब आधा दर्जन से अधिक युवक हर्ष फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हथियारों से उन्होंने केक भी काटा है और एक तरह का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उससे लगता है कि जन्मदिन का सेलिब्रेशन करते हुए हर्ष फायरिंग का उपयोग किया जा रहा है। हर्ष फायरिंग का उपयोग करने के बाद वह केक भी काट रहे हैं हथियारों से, और केक काटने के बाद एक तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर यानी कि दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले ही ग्वालियर जिले में इमरान ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि क्या वहाँ की पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय नहीं है कि ऐसे हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल देखिए इस बार मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी ग्वालियर जिले में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दहशत फैलाने का काम जारी है। और आजकल का ये चलन जो है युवाओं का काफी देखने में आ रहा है कि वो अपनी एक वो दिखाने के लिए, यानी कि अगर बोला जाए तो अपना एक रुतबा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस पर इस तरह के वीडियो वायरल करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनका रुतबा कायम रहे। इस तरह की वीडियो से शहर में दहशत भी फैलती है। दहशत फैलने के बाद और भी जो युवा है उनमें भी इस तरह का जज्बा पैदा हो जाता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम भी इस तरह का वीडियो बनाकर हम भी सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन कार्रवाई किस तरीके की करती है, क्योंकि जो इस तरह के युवा उनमें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ देखने को नहीं आता। अगर खौफ होता तो आज लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होते, क्योंकि इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना कहीं ना कहीं एक आपराधिक श्रेणी में भी आता है और अपराध को बढ़ावा भी देता है। और ग्वालियर जिला बिल्कुल लगातार क्राइम में फर्स्ट नंबर पर रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी रहती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल भी उठने लगे कि हालांकि ऐसी कैसी कार्रवाई रहती है कि बदमाशों में इस तरह के वीडियो वायरल करने वालों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जी जी इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।